वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। ईडीसी की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे जंक्शन कैपेसिटेंस के बारे में। ओके, सो बेसिकली दो टाइप के जंक्शन कैपेसिटेंस होते हैं, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ओके, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कब एग्जिस्ट करता है? जब अपना डायोड रिवर्स बायस कॉन्फ़िगरेशन में, तब डायोड के जंक्शन पे कौन सा कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है? ट्रांजिशन कैपेसिटेंस सीटी। ओके, जब अपना डायोड फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन में, उस समय जो अपना डायोड का जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन जो बनता है, वहां पे डिफ्यूजन कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं? सीटी। ओके, ये दो बात याद रखें। देखिए, ये अपना क्या है, पी रीजन है, ये अपना क्या है, एन रीजन। तो ये क्या है, एनोड, और ये क्या है, कैथोड। अगर इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव कर दो तो ये क्या हुआ, अपना रिवर्स बायस कंडीशन हो गया ये। तो रिवर्स बायस कंडीशन डायोड के जंक्शन के पास क्या एग्जिस्ट करता है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। सेकेंड केस, ये अपना पी रीजन है और ये अपना क्या है, एन रीजन। ये अपना क्या है, कैथोड टर्मिनल, और ये क्या है, एनोड टर्मिनल। ओके, इसको मैं पॉजिटिव और इसको मैं नेगेटिव कर दूं तो ये क्या हो गई, फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में एट द जंक्शन कौन सा कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है, डिफ्यूजन डिफ्यूजन कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है। अब इस लेक्चर में हम किसके बारे में जानेंगे, सिर्फ ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के बारे में। चलिए देखिए, ये अपना क्या है, पी टाइप है, ये अपना पी टाइप है। तो पी टाइप में मेजोरिटी क्या होंगे, होल्स होंगे। ये अपना एन टाइप है, तो एन टाइप में मेजोरिटी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, ये देख रहे हैं आप, रिवर्स बायसिंग की गई है इसकी, वीआर वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया मैंने। तो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हुआ तो डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुआ, इसकी विड्थ क्या हुई, डब्ल्यू। ओके, डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुआ। पी साइड क्या आया अपना, नेगेटिव आयंस। एन साइड क्या बने अपने, क्या कलेक्ट हुए अपने, पॉजिटिव आयंस। ये दोनों आयंस क्या हैं, इमोबाइल है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है रिवर्स बायस के केस में, रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड आपने पढ़ा होगा ना, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ओके, ये नेगेटिव ऑफ द बैटरी पी से कनेक्ट है, तो क्या होंगे अपने, होल्स इधर साइड आएंगे। अब पॉजिटिव ऑफ द बैटरी एन से कनेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर साइड आएंगे। तो इसके चलते क्या होगा, ये रिवर्स बायस में चला गया। रिवर्स बायस में क्या होता है, डिप्लीशन रीजन और ज्यादा वाइडर होते चली जाते। तो ये केस अपना किसका है, रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड का। ओके, तो व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस देन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। जैसे जैसे बी आर हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, ये विड्थ क्या होते जाती है, इंक्रीज होते जाते हैं, ऐसे इंक्रीज होते जाते हैं। ओके, ये जो अपने नेगेटिव आयंस है, पॉजिटिव आयंस है, ये क्या होते जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो अपना ये पी रीजन है वो एज अ प्लेट ऑफ द कैपेसिटर वर्क करता है, ठीक है। ये जो अपना एन रीजन है वो भी एज अ प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर एक्ट करता है, और ये जो अपना डिप्लीशन रीजन है जिसकी विड्थ डब्ल्यू है, वो कैसे वर्क करती है, एज अ डाइलेक्ट्रिक वर्क करती है। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बना, ये एक टर्मिनल, ये पी रीजन एक्ट एज अ प्लेट, देन डाइलेक्ट्रिक, देन एन रीजन एक्ट एज अ प्लेट। ओके,
तो ये क्या बन गया, एक कैपेसिटर टाइप स्ट्रक्चर बन गया। ओके, तो जंक्शन पे, ये जो जंक्शन है यहाँ पे कौन सा कैपेसिटेंस एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेट मींस ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो देर आर मोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन द डिप्लीशन रीजन। ओके, ड्यू टू दिस पी रीजन एंड एन रीजन एक्ट लाइक द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, ये बात मैं बता चुका हूं, एंड डिप्लीशन रीजन एक्ट एज अ डायलेक्ट। ओके, दस देयर एग्जिस्ट अ कैपेसिटेंस एट द जंक्शन, तो अपने जंक्शन के पास एक कैपेसिटेंस एग्जिस्ट होता है, उस कैपेसिटेंस को क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो ये अपने ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की कहानी। तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस सीटी इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन ए डिवाइड बाय डब्ल्यू, जहां पे ये जो डब्ल्यू है वो क्या होता है, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। जो अपना ए है वो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट, एरिया क्रॉस सेक्शन। जो अपना ये एप्सिलॉन है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, बेसिकली जो ये अपना एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन होता है अपना एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सो एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है अपनी, 8.849 इंटू 10 to power -12 फैराड पर मीटर। ओके, ये जो अपना एप्सिलॉन आर है उसकी क्या वैल्यू होती है, नहीं ये एप्सिलॉन आर क्या होता है अपना, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, सो एप्सिलॉन आर की वैल्यू की बात कर रहा था, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 16 किसके लिए, फॉर जर्मेनियम, एंड एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 12 किसके लिए, फॉर सिलिकॉन। तो ये अपना फॉर्मूला है किसका, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। यहां से क्या मालूम चला, रिलेशन क्या है कि जो अपना ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। ठीक है, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन बढ़ेगी अगर, तो अपना ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या होगा, रिड्यूस होगा, और अगर विड्थ घटेगी तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बात यहां से मालूम होगी। एक और बात बताइए, जो VR है रिवर्स वोल्टेज बढ़ रहा है तो अपना विड्थ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। विड्थ अगर बढ़ रही है तो अपनी ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। सेकंड केस क्या बनता है, मान लीजिए वीआर रिड्यूस हो रहा है, वीआर रिड्यूस हो रहा है मींस विड्थ क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। विड्थ रिड्यूस हो रही है तो अपना ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो रिलेशन क्या निकला यहां से देखिए, वीआर बढ़ेगा तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस घटेगा, अगर वीआर घटेगा तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इसी पे बेस हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ओके, कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे। ये क्या है एक्सिस, ये एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है सीटी इन पिको फैरेड, मींस ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इन पिको फैरेड। ये एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिवर्स वोल्टेज, तो 0, -5, -10, -15, -20, -25, -30, देयर 0, 20, 40, 60, 80 and 100। तो यहां पे ग्राफ को इस तरीके से लिख कर, मैंने अभी बताया था रिवर्स वोल्टेज बढ़ेगा तो सीटी क्या होगा, अपना रिड्यूस होगा, इसीलिए ये फॉल का ग्राफ बना। ठीक है, जैसे जैसे वीआर बढ़ रहा है अपना सीटी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, देख भी लीजिए ना। देखिए, वीआर जब अपना क्या हुआ, -5 वोल्ट। ठीक है,
तो अपना सी टी क्या हो गया उस केस में, सी टी की वैल्यू अप्रोक्स कितनी आ गई, ये है -5, अप्रोक्स 80 पिको फेरेड आ गई। ठीक है, अब मैंने वी आर की वैल्यू बढ़ा के -10 वोल्ट कर, तो सी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 पे अप्रोक्स 40 पिको फेरेड आ रहा है। ठीक है, अब मैंने वी आर को क्या किया, -15 कर दिया, -15 वोल्ट, तो अपने सी टी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 के अराउंड आ रही है, 20 पिको फेरेड। तो यहां से क्या मालूम चल रहा है कि वी आर को मैं बढ़ाते जाऊं अगर रिवर्स वोल्टेज को, तो अपनी सी टी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये ग्राफ भी तो वही शो कर रहा है, ग्राफ को इस डायरेक्शन में पढ़ना है। ठीक है, रिफॉल का ग्राफ वही शो कर रहा है कि रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो सी टी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। So thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon to get the further notification regarding the upcoming videos of TDC.